आज है एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है एक नई कहानी लेकर, इस मंगल कामना के साथ कि आप सभी एक नई ऊंचाइयों को छुएं, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बाज पक्षी जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं। और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। वह धरती से मात्र 3,000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वह उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देख सकता है अपने इलाके को। उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार कर लेता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए, लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत और अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर बच्चों को बॉयलर मुर्गा बना दिया है। जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने बच्चों को जीवन की मुश्किलों के लिए तैयार करें, उन्हें संघर्ष करने की आदत डालें बिना किसी सुख सुविधाओं के। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। जीवन में सिर्फ किताबी शिक्षा ही जरूरी नहीं होती। मेरा उद्देश्य है हर शुक्रवार के दिन एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके सामने आना। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।